For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. दुनिया में जब हिंदुस्तान बोलता है तो अच्छे अच्छों का मुंह बंद हो जाता है और जब बिग बॉस के घर में हिंदुस्तानी भाऊ बोलते हैं तो अच्छे अच्छों का मुंह फिर से बंद हो जाता है। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति नाहक। जब से हिंदुस्तानी भाऊ घर के अंदर एंटर हुए हैं, घर का एक मिजाज ही बदल गया है। बिकॉज जेन्युइनली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो जो बात है वो मुंह पे बोलते हैं और यू नो सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करते हैं चीजों को। शहनाज को जिस तरीके से उन्होंने प्यार से यू नो सारी चीजें बोल डाली, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जेन्युइन पर्सनैलिटी है। लेकिन यहाँ पर मैं आई हूँ कुछ अननोन फैक्ट्स लेकर भाऊ के बारे में, जो कि ज़्यादातर लोग शायद नहीं जानते, उनके फैंस जो है वो नहीं जानते। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ यू नो छह ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जो मैं आपको उनके बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले, बहुत लोग उनका रियल नाम नहीं जानते और कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी भाऊ के नाम से वो फेमस हैं। देश के लिए, देश के हित में बोलते हैं, देश के लिए बोलते हैं, देश के अगेंस्ट जो बोलते हैं उनका मुंह बंद कराते हैं, इसलिए नाम हिंदुस्तानी भाऊ है उनका। लेकिन उनका रियल नाम है विकास जयराम पाठक। जी हाँ, उनका रियल नाम है विकास जयराम पाठक। हालांकि बिग बॉस में आने के बाद काफ़ी लोगों को विकास नाम उनका पता चल ही चुका है, लेकिन उनका पूरा नाम है विकास जयराम पाठक। नंबर टू, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ कि उनके जो फादर थे, हिंदुस्तानी भाऊ के जो पापा थे, वो एक सरकारी यू नो कर्मचारी थे। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, उनकी हेल्थ को लेकर किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें जो सरकारी नौकरी है वो छोड़नी पड़ी और फिर उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा यू नो चेंजेस आए, क्योंकि उनके फादर को जॉब छोड़नी पड़ी ऑल ऑफ अ सडन। तो एक अलग ही डाउन फेज देखा हिंदुस्तानी भाऊ ने अपनी लाइफ में जब उनके पापा जी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। नंबर थ्री, क्योंकि जैसा मैंने बताया सेकंड पॉइंट में कि हिंदुस्तानी भाऊ के जो फादर हैं वो उन्हें सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी थी, उसके बाद जो है उन्होंने यू नो एज अ वेटर काम किया, क्योंकि पैसों की तंगी आ गई थी घर में। एज अ वेटर उन्होंने काफ़ी रेस्टोरेंट्स में काम किया और फिर उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ उन पर आ गई थी। तो हिंदुस्तानी भाऊ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सातवीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ इतनी हो गई थी कि उन्हें अपना यू नो घर की जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। नंबर फोर, काफ़ी लोग नहीं जानते इस बात को, लेकिन उनका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा है जिसे वो बेहद प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो बड़े होकर इंडियन आर्मी ज्वाइन करे। खुद भले ही वो नहीं पढ़े, लेकिन उनके बेटे को पूरी तरीके से अच्छे से शिक्षित कर रहे हैं वो, और साथ ही साथ चाहते हैं कि उनका बेटा जो है बड़े होकर इंडियन आर्मी ज्वाइन करे और अपने देश के लिए यू नो अपने नेशन को सर्व करे। नंबर फाइव, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेंटिंग का काम करते हैं हिंदुस्तानी भाऊ। जी हाँ, अभी फ़िलहाल उनकी कंडीशन जो है, उनकी यू नो सोशल लाइफ जो है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है अभी पिछले कुछ वक्त से, क्योंकि उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। लेकिन काम की अगर मैं बात करूँ तो एक इन्फ्लुएंसर होने के अलावा वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रेंटिंग का काम करते हैं, और जिससे काफ़ी उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनकी ज़िंदगी की, वो काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी है। ऑफकोर्स पहले जब वो वेटर का काम करते थे उसके कंपैरिजन में एक ऑल ऑफ अ सडन सुधार आ गया उनकी लाइफ में, और अब तो उनके पास खुद का फ्लैट है, खुद की कार है, अब तो भाई लाइफ मज़े में चल रही है। नंबर सिक्स, काफ़ी लोग जानते हैं ऑफकोर्स हिंदुस्तानी भाऊ की वीडियोस, जिन्होंने देखे हैं वो जानते हैं कि किस तरह के वीडियोस होते हैं, और वो जितने भी एंटी नेशनल लोग हैं, यू नो जितने भी अदर कंट्रीज़ के लोग हैं जो इंडिया के बारे में गलत बातें करते हैं, पाकिस्तानी जो है इंडिया के बारे में जो गलत बात करते हैं, वो लोग जब वीडियोस डालते हैं उनको काउंटर अटैक करने के लिए, जब हिंदुस्तानी भाऊ हमारे फुल जोश में यू नो धांसू वीडियोस उनको फटाक जवाब देते हैं, ऐसे में हमारे यहाँ के ही कुछ लोग हैं जो यू नो उनको वापस से धमकाते हैं और उनको यू नो थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं, जिसके लिए अपने साथ एज अ सेफ्टी वो हमेशा एक गन लेकर चलते हैं। जी हाँ, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि यू नो जब आप कुछ ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हो, तो वहाँ पे सेफ्टी भी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो हिंदुस्तानी भाऊ हमेशा अपने साथ एक गन भी रखते हैं हर बार। ये थी कुछ तमाम छः अननोन बातें जो लोग उनके बारे में नहीं जानते। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा, और किस सेलिब्रिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं अननोन फैक्ट्स, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ।